सब्सक्राइब कीजिए टैग फन टू टॉप चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट टैग और फन वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, जियोफोन 3 का इंतजार खत्म हो गया है। जियोफोन 3 अब सभी को मिलना स्टार्ट हो गया है। कैसे आपको जियोफोन 3 घर पर मंगवाना है और कहां से आपको जियोफोन 3 मिलेगा और जियोफोन 3 की क्या प्राइस है, दोस्तों ये सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में लास्ट तक आप देखेंगे तो ज़रूर मिल जाएंगे। और आप अपने लिए जियोफोन 3 बुक कर आप अपने लिए यूज करने के लिए मंगवा भी सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जियोफोन 3 का गिवे का ऑप्शन भी चल रहा है। मेरे पास जियोफोन 3 ये 3 फ़ोन है, इनमें से 2 फ़ोन आप में से किसी भी रैंडमली चुने जाने वाले व्यूवर्स को मिल जाएंगे। इसके लिए आपको करना है इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अब एक अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को करना है शेयर। दोस्तों, ये देख सकते हो जियोफोन 3 पूरा कमाल का फ़ोन है। इसमें पूरे बॉक्स के अंदर मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ कि जियोफोन 3 के अंदर हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे और ये काफ़ी कमाल का फ़ोन है जो कि आप सभी को मैं आप दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, इस जियोफोन 3 के ऊपर एक रैप लगा हुआ है जिस पर जियो का स्टिकर लगा हुआ है। ये काफ़ी कमाल का जियोफोन 3 है, इसको आप देख सकते हो। ये चार कैमरा है, फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिल जाता है, 48 मेगापिक्सल का कैमरा है। ये फ़ोन काफ़ी कमाल का फ़ोन है। इस फ़ोन के बारे में अगर बात करें इसके कैमरा क्वालिटी की तो मैं पूरा डिटेल से चेक करके बताने वाला हूँ कि कैसे इस फ़ोन के अंदर क्या क्या आपको फीचर देखने को मिलते हैं, पोर्ट्रेट मोड से लेकर कौन कौन से और मोड हमें देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, ये जियोफोन 3 मैंने इसे बूट कर लिया है, अब मैं इसमें आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो, इसे जैसे ही हम ओपन करते हैं तो इसमें जियो की सारी जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो सिक्योरिटी, माई जियो, जियो एजियो सारी एप्लीकेशन आपको मिल जाती हैं जो कि पहले से इंस्टॉल्ड है, क्योंकि जियो की सारी एप्लीकेशन जियो फ़ोन के अंदर मिल जाएंगी और जो जियो यूजर्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इस फ़ोन के अंदर आपको जियो सिम का सपोर्ट मिलता है, वो भी डुअल जियो सिम। दोस्तों, डुअल जियो सिम आप इसमें यूज कर पाएंगे जो कि काफ़ी कमाल का ऑप्शन है। ये एक रैप है, एक इसके अंदर हमें जियो के कुछ स्टिकर्स और सिम इजेक्टर टूल निकलता है, जो देख सकते हो सिम इजेक्टर टूल है। इसे हम सिम निकाल सकते हैं और हमारी सिम को इंसर्ट कर सकते हैं जियो की। दोस्तों, इसके अंदर ये जियो के कुछ स्टिकर्स हैं जो काफ़ी यूजफुल होते हैं, हम कहीं पे भी लगाते हैं और हम स्माइल करते रहते हैं जियो को देख के, क्योंकि जियो हमें काफ़ी सारा डेटा देता है और वो भी काफ़ी कमाल रेंज में। दोस्तों, आज मैं आपको पूरा बताऊंगा कि ये फ़ोन काफ़ी कमाल का फ़ोन है। इसकी स्पीड की बात करें, गेमिंग की स्पीड दो बहुत ही कमाल की है और कैमरा क्वालिटी से लेकर इसके प्रोसेसर की स्पीड भी बहुत ही कमाल की है। और इस फ़ोन को आप कैसे परचेज कर पाएंगे और कितने रुपए में आपको ये फ़ोन मिल जाएगा, लेकिन बात करें इसके कैमरा की तो कैमरा इसका काफ़ी कमाल का है और एकदम क्लियरिटी के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करता है। आप देख सकते हो कि इसकी जितनी भी क्लिक की गई फ़ोटो है जो काफ़ी कमाल की हैं। दोस्तों, इसके अंदर जो भी फ़ोटोज हैं क्लिक की गई और फिंगरप्रिंट सेंसर इंस्टेंट काम कर लेता है, ये भी इसमें काफ़ी कमाल की बात है कि फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी अच्छे से जल्दी से काम करता है और ना ही इसमें कभी फिंगरप्रिंट सेंसर में देरी लगती है। और इसके प्रोसेसिंग और इसके कैमरा क्वालिटी और इसके चार्जिंग की बात करें तो इसकी चार्जिंग सपोर्ट भी काफ़ी कमाल का है, लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपका काफ़ी पैसा बचने वाला है। दोस्तों, जिनके पास आधार कार्ड है, जिन्होंने जियोफोन 2 खरीद रखा है या जियोफोन 1 खरीद रखा है, वो जियोफोन 3 खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए तो ये सोने पे सुहागा होने वाला है, क्योंकि उनको ये फ़ोन सिर्फ मात्र 500 रुपये में मिल जाएगा। दोस्तों, 500 रुपये में ही ये फ़ोन आपको मिल जाएगा अगर आपके पास जियोफोन 1 व जियोफोन 2 है। अगर आपके पास जियोफोन 1 व जियोफोन 2 नहीं है तो आपको 1499 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए मैं बताऊँगा कि कौन सी प्रोसेस है, कहाँ से आपको बुक करना है और कैसे आपको मंगवाना है। किसी को भी पैसे पहले एडवांस में नहीं देने हैं, सिर्फ आपको तभी देना है जब आपके हाथ में जियोफोन 3 हो और एक हाथ में जियोफोन 3 आए, दूसरे हाथ से पैसे देने हैं। उससे पहले आपको किसी को पेमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। ये फ़ोन की अगर कैमरा क्वालिटी और इसके प्रोसेसर तो काफ़ी कमाल का है, इसके अंदर हमें काफ़ी नए नए फीचर्स मिल जाते हैं जो कि 5G को सपोर्ट करते हैं। ये फ़ोन 5G को फुल्ली सपोर्ट करता है, क्योंकि आने वाला टाइम 5G का है और रिलायंस जियो 5G पर बहुत जल्दी से ज़ोरों से काम भी कर रहा है, जो कि
इस फोन के अंदर हमें देखने को मिलता है। ये फोन शुरुआती में ही इतना ज़्यादा स्टॉक में था, लेकिन इस पर इतनी सारी डिमांड हुई कि ये फ़ोन आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। दोस्तों, इस फोन को तुरंत आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, वहाँ से आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप इसे बुक कर सकते हो। और अगर नहीं कर पा रहे हो वहाँ से बुक, तो आप इस वीडियो को शेयर और लाइक करेंगे तो आप हो सकते हो फ्री में भी जीत सकते हो।